हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे चिकन केसडिया। ये एक मैक्सिकन रेसिपी है, तो चलते हैं बनाना शुरू करते हैं। चिकन केसडिया बनाने के लिए 250 ग्राम बोनलेस चिकन लिए हैं, छोटा पीस करके काट के रखे हैं। हाफ पीस लेमन जूस मिला रहे हैं चिकन में। स्वाद अनुसार नमक हाफ चम्मच, रेड चिल्ली पाउडर एक चम्मच, जीरा पाउडर एक चम्मच, ब्लैक पेपर पाउडर हाफ चम्मच, अदरक लहसुन कुटा हुआ एक चम्मच मिला रहे हैं। ऑरिगन थोड़ा सा डाल रहे हैं, एक चम्मच रिफाइंड ऑयल यूज कर रहे हैं। आप कोई भी ऑयल अपने पसंद के हिसाब से यूज कर सकते हैं। अभी अच्छे से मैरिनेट कर लेते हैं चिकन को। अभी अच्छे से चिकन को मैरिनेट करके साइड करके रख देते हैं, नेक्स्ट प्रोसेस में जाते हैं। एक कढ़ाई को गर्म होने के लिए रखे थे, कढ़ाई अभी गर्म हो गया है। अभी दो चम्मच रिफाइंड ऑयल डाल रहे हैं। एक प्लेट में छोटा पीस करके काट के रखे हैं दो बड़ा साइज प्याज, दो छोटा साइज का कैप्सिकम को काट के रखे हैं, एक टमाटर को काट के रखे हैं। अभी कढ़ाई में सभी चीज़ों को डाल देते हैं। अभी स्वाद अनुसार नमक हाफ चम्मच डाल रहे हैं, हाफ चम्मच ब्लैक पेपर पाउडर, रेड चिल्ली पाउडर हाफ चम्मच, थोड़ा सा ऑरिगेनो डाल रहे हैं। अभी सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके गैस फ्लेम स्लो में रख के थोड़ा सा कवर करके वेजिटेबल को पकने के लिए छोड़ देते हैं। अभी 2 से 3 मिनट हो गया है, वेजिटेबल भी पक गया है। अभी गैस को ऑफ कर देते हैं, वेजिटेबल को एक प्लेट में निकाल देते हैं। अभी कढ़ाई में रिफाइंड ऑयल डाल रहे हैं 3 चम्मच। आप अपने पसंद के हिसाब से कोई भी ऑयल यूज कर सकते हैं। मैरिनेट करा हुआ चिकन को अभी डाल देते हैं कढ़ाई में। अभी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अभी चिकन को कवर करके थोड़ा सा चिकन को पकने के लिए छोड़ देते हैं 3 से 4 मिनट। अभी थोड़ा चेक कर लेते हैं, चिकन में थोड़ा सा पानी निकल रहा है, अभी थोड़ा ड्राई होगा। अभी चिकन ड्राई हो गया है, अभी गैस को ऑफ कर देते हैं, एक बाउल में चिकन को निकाल देते हैं। इस रेसिपी में टोटिया ब्रेड यूज किया जाता है, हर जगह पर टोटिया ब्रेड नहीं मिलता है, ये आप घर में बना सकते हैं। मैदा में थोड़ा सा चीनी, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा ऑयल, थोड़ा सा बेकिंग पाउडर डाल के एक डो बना लीजिएगा, उसमें एक रोटी बना लीजिए। अभी मैं मैदा का रोटी यूज कर रही हूँ इस रेसिपी में। ऊपर से ग्रेटेड करा हुआ मोजरेला चीज डाल रही हूँ। अभी ऊपर से जो फ्राई करा हुआ वेजिटेबल को रखे थे अभी डाल देते हैं। अभी फ्राई करा हुआ चिकन को ऊपर से रखते हैं। अभी ऊपर से ग्रेटेड करा हुआ मोजरेला चीज फिर से डाल रहे हैं। अभी साइड करके ऐसे ही फोल्ड कर लेते हैं रोटी को। एक पैन को गर्म होने के लिए रखे थे, अभी पैन में थोड़ा सा बटर डाल रहे हैं। अभी स्टफिंग दिया हुआ रोटी को रख देते हैं पैन में। गैस फ्लेम स्लो में रख के 1 से 2 मिनट के लिए ऐसे ही एक साइड सेकने के लिए छोड़ देते हैं। अभी 1 से 2 मिनट हो गया है, अभी दूसरे साइड पलट देते हैं।
अभी दूसरे साइड भी हो गया है, चीज भी मेल्ट हो गया है, अभी एक प्लेट में निकल देते हैं। सेम प्रोसेस से बाकी ऐसे ही बना लेंगे। अभी सब बना लिए हैं चिकन किस्डिया। अभी बीच से ऐसे ही काट लेते हैं। अभी अंदर जो चीज डाले थे, चीज अभी अच्छे से मेल्ट हो गया है। आप इसके साथ सॉस के साथ खा सकते हैं, कोई भी चटनी के साथ खा सकते हैं। ये खाने के लिए बहुत टेस्टी लगता है। आज का रेसिपी अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिएगा। जिन लोग मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पास में बेल आइकन को क्लिक करिएगा नोटिफिकेशन के लिए। धन्यवाद।